संक्रांति उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। यहाँ सामने पार इतना प्यारा व्यू लगता है, सामने देखिए पूरे दिन तक हो गई है। मकर संक्रांति स्पेशल है, घुघते पकौड़ी और उसके साथ खीर। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा झरना देखिए कितना। और सुबह सुबह के खाने में है अभी मडवे की रोटी, चाय और आलू गाजर की सब्जी। यहाँ पे तले जा रहे हैं घुघते और यहाँ पे बन रहे हैं घुघते। और यहाँ देखिए पर तालाब हुआ करता था, यहाँ पर देखिए कितना सारा पाला पड़ा हुआ है यार, सच में इतना ज्यादा ऐसे दिखता है मेरे गाँव का पूरा व्यू। और यह है हमारे गाँव का मिनी क्रिकेट ग्राउंड। और सुबह सुबह की खूबसूरत वादियों के बीच लेते हैं, सबसे पहले खाते हैं ब्रेकफास्ट उस। और सुबह सुबह के खाने में है अभी मडवे की रोटी, चाय और आलू गाजर की सब्जी। तो चलिए लंच। इस ठंडी खूबसूरत सुबह के साथ करते हैं आज के इस खूबसूरत से वीडियो की भी शुरुआत। नमस्ते साथ प्रणाम, मैं हूं शेखर म्याल, स्वागत है सभी का देव उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। मेरे गांव का नाम है टूंडरी जो कि उत्तराखंड में। और अभी सुबह सुबह देखिए काफ़ी खूबसूरत सा मौसम हो रखा है, पर अभी ठंड में जाना है हमने, तो थोड़ा उसके लिए तैयार होते हैं। सामने जो वहाँ गदेरा दिख रहा है वहाँ पहुँचना है हमने अभी ठंड में, तो थोड़ा काम है वहाँ, तो आगे चल कर आगे वीडियो में ही देखना आप। तो अभी मैं हो चुका हूँ तैयार, टोपी टोपी डाल दी है मैंने और पैर में जूते ही डाल दिए हैं और चलते हैं अब ठंडे इलाके की ओर। हाँ देखिए अभी से ही ठंडा शुरू हो गया है, नाक में तो मेरी सिंगाड़ बहने लग गया भाई, ठंडा इतना ज़्यादा हो गया। और यह है हमारे गांव की कुदला सार, क्योंकि यहाँ थोड़ा पहले तक यहाँ कोदा बो रखा था, तो आजकल नया नया काट कूट के एकदम से यहाँ कांटे कोटे काट हैं। वह देखिए यहाँ गोबर भी डाल दिया खेतों में। यह है हमारे गांव का मिनी क्रिकेट ग्राउंड, कभी यहाँ पे क्रिकेट मैच होगा तो मैं तो आपको भी दिखाऊँगा। पर देखिए पीछे भी इतना छोटा ही ग्राउंड है, पर ज़्यादा नहीं है, पर इसमें भी बहुत मज़ा आता है, जब खेलते हैं ना तब मज़ा बहुत आता है। और यह है हमारा गांव एक साइड से, दूसरी साइड से तो अभी दिख नहीं रहा बट एक साइड से ये है। और अभी हमने जाना है उस जहां धूप छिपने से ख़त्म हो रही है उस गली में जाना है अभी। और आजकल रोड के हालत देखिए कितने बेकार। और यहां से दिखता है मेरे गांव का पूरा व्यू, छोटा सा गांव और सामने अरे यार व्यू नहीं हो रहा। अब ये देखिए नीचे हैं गेहूँ के सार और यहाँ सामने पे है रोड। हम आ रखे थे यहाँ इतने ठंड में रेत निकालने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है सही में। यहाँ देखिए लोगों ने कितनी रेत निकाल रखी है, वहाँ पे देखिए ढेर। और यहाँ देखिए पर तालाब हुआ करता था, यहाँ पर लीकेज कर दिया और यहाँ पे एक ढेर यहाँ पर लगा रखी है। और हमारा वाला है यहाँ पे और हमने यहीं से ले जाना है अभी। और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा झरना देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सफ़ेद एकदम ठंडा पानी बर्फ के जैसा। और इस ठंड में निकलते हैं हम घर की ओर फिर से इस रेत को लेके, फिर एक चक्कर और आना है तब बाकी का व्यू इससे बाद में दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं रास्ते आगे। मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरा फोन हो गया था वहाँ पहुँचने तक स्लो, और उसके बाद जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो वैसे ही फ़ोन भी स्विच ऑफ के मूड में आ गया था, उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की इसलिए आपको वीडियो नहीं मिली। और इससे आगे का आज है 15 जनवरी 2023 और आज पहाड़ों में मनाई जा रही है मकर संक्रांति, बिकॉज मकर संक्रांति कल थी 14 को पर मनाया आज जा रहा है पता नहीं किसी रीजन के कारण से। तो चले आज की इस खूबसूरत वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सुबह सुबह देखिए कितना ज़्यादा पाला पड़ रखा है यहाँ, हमारे यहाँ तो इसको पाला ही बोलते हैं, बाकी अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से होता है। और सामने पे धूप भी आ चुकी है और काफ़ी प्यारा मौसम लग रहा है, पर यहाँ अभी हमारे गांव ठंडा हो रहा है, एकदम हवा घुस रही है नाक में तो एकदम से इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि क्या ही बोले। फिर बहुत सभी जो भी 15/1/2023 को मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएँ बधाइयाँ। और यहाँ पे देखिए कितना सारा पाला पड़ा हुआ है यार। मैं जा रहा हूँ गांव तक इन बाल्टी को देने के लिए। और मुझे ना यहाँ सामने पार इतना प्यारा व्यू लगता है, सामने देखिए पूरे दिन तक हो गई है और यहाँ अभी तक हमारे गांव में धूप ही नहीं आ रखी है कहीं भी नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर मकानों के छत पर आ रखी है अभी, बाकी तो आई नहीं रखी है। बाकी सामने देखिए सारी जगह धूप लगी है, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ अभी तक। और यहाँ पे देखिए पता नहीं क्यों रखा है यहाँ, ये जैसे हमारे यहाँ तो कूड़ा बोलते हैं पता नहीं कौन सा, इतना इतना खतरनाक रहता है, एक बार चिपक गया तो उसके बाद आता भी नहीं हो।
और मेरे पास है दो बाल्टियाँ, तो दोनों बाल्टियाँ मैंने दो हाथ पे पकड़ रखी है, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, जिस कारण से आपको वीडियो लॉन्ग लॉन्ग स्टेप मिल रही है। और अभी हमने आग जला के रेडी रख दी है, और बाकी यहाँ पे कट चुके हैं पकौड़ियाँ, और यहाँ पे बन रही हैं घुगते, और ये घुगते का आटा लगा रखा है, ये मम्मी लोग लगे हैं बनाने में बाकी। और जो ये आटा लगता है वो कैसे, जो ये आटा लगता है उसको बनाया जाता है गुड़ के पानी के साथ, उसके बाद अजवाइन सूजी बहुत कुछ मिलाई जाती है उसमें, फिर जाके घुगते का आटा तैयार होता है, तब जाके हम घुगते बनाते हैं। बाकी तो पूरी वीडियो देखने तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जो है मकर संक्रांति की सबसे इम्पोर्टेंट रेसिपी होती है समझ लो आप, क्योंकि आज ये हमारा हम जिस इलाके में रहते हो उस साइड घुगते को मकर संक्रांति का ही को माना जाता है, मकर संक्रांति के दिन ही घुगते बनाए जाते हैं, और बसंत पंचमी तक घुगते कभी बना सकते हैं, उसके बाद घुगते नहीं बनाते हैं। तो इसलिए आगे देखिए, और आगे मैं कंटिन्यू रखता हूँ, थोड़ा मैं आप इंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। और यहाँ पे तले जा रहे हैं घुगते, और यहाँ पे बन रहे हैं घुगते। अब हम खाते हैं खाना, और मकर संक्रांति स्पेशल है घुगते पकौड़ी और उसके साथ खीर, काफ़ी खूबसूरत है, चलिए हम आनंद लेते हैं। और जो मकर संक्रांति है वो तो हो चुकी है पूरी, क्योंकि खाना बना के खाना वही बस नॉर्मली चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मैं इससे दरमियान मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक जो भी इस चैनल पर अभी तक नया है तो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे ज़रूर से दबा दें, और लाइक कमेंट शेयर तो पक्का ही करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।